हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रोड अर्थवर्क क्वांटिटी कैलकुलेशन। मतलब जो हमारा रोड होता है उसमें अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे पता लगेगा इतने क्यूबिक मीटर मिट्टी इसमें लगेगी या लगी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने रोड का क्रॉस सेक्शन बना रखा है ये। ठीक है, ये मेरा जो FL है ये फॉर्मेशन लेवल है। इस लेवल पे, ये वाले लेवल पे मेरी गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, और B मेरी बिर्थ है रोड की जो 7.5 मीटर है। D मेरी डेप्थ है जिसकी हाइट है 1.050 मीटर। ठीक है, और इसमें मेरे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसमें दो मेरे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। और जो मेरा साइड का स्लोप है वो 2:1 का है। एस मेरा स्लोप है 2:1 का। ठीक है, और जो मेरे को नीचे का HD है ये मेरे को पता करना है, निकालना है कैसे निकालना है। ठीक है, अभी इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है सामने वाला, पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, सिर्फ इतनी चीज़ का। ठीक है, इसका एरिया निकल गया, फिर आप इसका वॉल्यूम निकाल लेना। एरिया निकालने के लिए आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे। पहला पार्ट ये देखिए, ये जो मेरा डॉट डॉट दे रखा है ये वाला, यहाँ से ये मेरा रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्या आएगा, B × D। ठीक है, इसका एरिया निकल गया। फिर एक नंबर ये ट्रायंगल, दूसरा नंबर ये, दोनों का इसका एरिया निकाल लो। ठीक है, वो कैसे निकालना बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको करना है, एरिया एरिया निकालना। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, प्लस एरिया ऑफ ट्रू ट्राइंगल। अब दोस्तों, मैंने लिखा है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ये वाला हो गया। ठीक है, B × D। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, इसका एक का दो का, ये दो टू ट्राइंगल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, फिर एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, बी बी चौड़ाई है, डी हाइट है। ठीक है, B × D प्लस टू ट्राइंगल, एक दो टू ट्राइंगल मल्टीप्लाई 1/2। अब मैंने यहाँ पे 1/2 क्यों लगाया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैंने 1/2 ले लिया, इंटू बेस कितना मेरा SD, इंटू हाइट कितनी है D। तो BD यहाँ पे कितना है, B मेरी कितनी है, B है मेरी 7.5, तो मैंने 7.5 ले लिया। ये सॉरी प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। डी मेरा कितना है, डेप्थ, डेप्थ मेरी 1.050। ठीक है, प्लस एक काम करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं, दो से दो कट गया, बचा मेरा क्या है, HD द स्केयर। ठीक है, तो बचा क्या आपका, SD स्केयर। ठीक है, इतना हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। 7.5 मल्टीप्लाई 1.050, 7.875, 7.875, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, प्लस SD स्क्वायर। देखिए, अब दोस्तों यहाँ S की वैल्यू कितनी है, ये देखिए मैं यहाँ पे दे रखी है 2। ठीक है, क्योंकि 2:1 का स्लोप है।
ठीक है, वन इसमें मेरा वर्टिकल है, जो मेरा होरिजेंटल है वो मेरा एस है, एस की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, डो 2 इंटू डी स्क्वेयर, डी का स्क्वेयर यानी कि 1.050 का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये इसका कैलकुलेशन करो, प्लस 2 इंटू 1.050 मल्टीप्लाई 1.050, ये आ गया 1.102 मल्टीप्लाई 2.205। टू पॉइंट टू जीरो फाइव प्लस 7.875 प्लस 2.205 10.08 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जो मेरा आया है, ये वाला, ये मेरा एरिया आ गया 10.08 मीटर स्क्वायर। किस चीज़ का? ये मेरा पूरे इसका, यहाँ से लेके ये वाला, ये जितना पहला पार्ट है, ये इसका बीच में ट्रायंगल है, सारे का मेरा एरिया आ गया। अभी मेरे पास एरिया है तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है मेरा 10.08 मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो है मेरी 200 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 200। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 2016 दोस्तों, ये मेरा 2016 MQ आ गया। 2016 MQ क्या आया, मतलब ये जो मेरा पूरा रोड है, ये 200 मीटर लंबा, इस सारे का वॉल्यूम आ गया इसमें 2016 MQ मिट्टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टोटल क्रस्ट। ठीक है, पूरी 2016 MQ इसमें मटेरियल है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही निकाला जाता है। आप इसका अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपके काम आएगा बहुत। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।